जरूर वो वेडिंग रिंग जान के पास है। आई अग्री। कुछ कहा तुमने? उन्होंने पूछा था कि क्या तुम्हारे पास कोई चीज है, ऐसी चीज जो तुम कभी भूल नहीं सकती। वो जानते थे कि तुम सब कुछ छुपा रही हो। हाँ, उनके पास रिंग है। उन्हें समझ आ गया है कि वो तुम साल भर तक अपने गले में डालकर घूम रही थी, और वो आए और उन्होंने ले लिया। अब वो कन्फेस करने के लिए वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। उन्हें खुद पर राज करने मत देना, वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। सनम, क्या तुम श्योर है कि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? ऐसा कुछ है जो तुम कन्फेस करना चाहती हो और तुम कह नहीं पा रही हो? मेरे पास इनर वॉइस है। क्या? हाँ, मेरे पास एक इनर वॉइस है और मैं अक्सर उससे बात करती हूँ, और जब भी आप साथ में होते हैं वो अपने आप आ जाती है। तो आपको लगता है मैं पागल हूँ? आप इसीलिए मुझसे दूर भागते हैं या फिर डरते हैं? नहीं नहीं, हाँ मैं सिर्फ तुमसे डरता हूँ, तुम्हारे इनर वॉइस से नहीं। वो तुम्हें सूट करता है, तुम्हारी जैसी क्रिएटिव वुमन के लिए सूट करता है। बताओ अभी इनर वॉइस क्या कह रही है? बोलो ना सनम, क्या कर रही हो तुम? तुम क्या कह रही हो? बहुत हैंडसम, और कुछ नहीं कह सकती। क्या कह रही है, बताओ बताओ। वैसे वो मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाई। मेरे पास एक इनर वॉइस है उस शख्स के लिए जिसे मैं बहुत पहले मिली थी लाइफ में। हाँ ठीक है। काश मैं तुम्हारा इनर वॉइस रहता। ओह, क्या वो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं? Never mind. Never mind. Exactly. मैं यहाँ बदला लेने के लिए आई हूँ। उन्हें मार दो, मारो, सबको मार दो। क्या हुआ, क्या हुआ जज़ार? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? अब मैं अपना मिल्क बात ले लेती हूँ, समझे? Hey, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं, हम साथ में जाकर चूज करते हैं, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। क्लियोपात्रा इजिप्ट से है, इसलिए अब हमें इजिप्शियन कॉस्ट्यूम सिलेक्ट करने होंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, वो इजिप्शियन है। हमारे पास ये है, एक शोल्डर ओपन और ये रहा क्राउन। क्या मैं मिरर देख लूँ? ऑनेस्टली कहूँ तो ये काफी इम्प्रेसिव लग रहा है, वेरी नाइस। मुझे बहुत भूख लगी है। ये नेकलेस आप पर जच रहे हैं। वेलकम मिस, आप क्या लेना पसंद करेंगे? मैं नहीं, छोड़ दो, आपके पास जो भी होगा जल्दी से ले आना, बस मुझे बहुत भूख लगी है। ओके, डोंट वरी। तो तुम स्ट्रेस में हो? जब तुम स्ट्रेस्ड होती हो तो ज्यादा खाती हो, इतना तो मैं जानता हूँ। मैं बदल गई हूँ। मैं बदल गई हूँ, आजकल मैं ज्यादा खाती हूँ, मुझे हमेशा भूख लगती है। मेरा एपेटाइट काफी अच्छा है और मुझे किसी बात का स्ट्रेस भी नहीं होता। ये एक बिजनेस मील है और हम सब बिजनेस की बातें करेंगे, पार्टनर्स होने के नाते हम और कुछ कर भी तो नहीं सकते। ओके, तुम बताओ तुमने कमर्शियल के लिए क्या टैक्स सोचा है, क्योंकि ये एक बिजनेस मील है। हाँ ठीक है, तो जब हम खाएंगे मैं तभी बताऊंगी। मजाक था। तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? ये मैं आपकी हेल्प करती हूँ, ये भी काफी अच्छा है। इतना इतना काफी होगा, ठीक है? हम ज्यादा कुछ नहीं खाएंगे। हम बिजनेस की बातें करेंगे। तो वैसे मैं ऑर्गेनिक कमर्शियल सोच रही हूँ, मतलब मिस डेरन होगी क्लियोपात्रा और उसे सेंट पसंद है,
बुलुत भी उसमें शामिल होगा और इसलिए वो फिर अपने शोल्डर पर क्रीम लगाती है और ऐसा वैसे कुछ नहीं होने वाला, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं ऐसा करना चाहती हूँ जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया हो, एक कमर्शियल जिसमें फेमस लोग नहीं होंगे। नो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम भी है क्योंकि वो फेमस नहीं है। हम ऐसे ही बिजनेस मीटिंग करते रहेंगे, क्या आपके पास कोई आइडिया है? अगर कोई आइडिया है तो मुझे बताइए। वैसे हम ये मीट गरम नहीं है, मुझे और मीट चाहिए। आप भी खाइए ना, मुझे मीट चाहिए। हाँ, तो अब कॉस्ट्यूम्स रेडी है। वेरी गुड, मिलते हैं पार्टनर। पार्टनर, सनी आती, वो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लाओ मैं ले लेती हूँ। मैं बहुत स्ट्रेस हूँ डेनिस, मेरे पास बहुत ही कीमती चीज थी और वो खो गई तो मैं मर जाऊंगी। वो चीज मुझे चाहिए, वो मुझे मेरी जान से भी प्यारी है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि वो जान के पास है। क्या है जान के पास? हाँ, क्या तुम्हारा दिल है? क्या तुम फिर से उसके प्यार में हो? सनीम सच कहो। बस मत करो, ऐसा कुछ मत कहो। नो वे, मैं श्योर नहीं हूँ कि उनके पास है भी या नहीं। अगर ऐसा पहले होता तो मैं ऐसा कभी नहीं सोच पाती, पर ये जान डेविड काफी अलग है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और वो क्या? ओह, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? चलो चलते हैं। देखो, मुझे उनसे बात करनी होगी और वो कीमती चीज मुझे किसी भी तरह उनसे वापस लेनी होगी। क्या वो उनके पास है? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर किसके पास होगी? मैं कुछ सोच नहीं पा रही, ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। क्या तुम समझ रही हो? थोड़ा थोड़ा सनीम। डेनिस, मेरी बात सुनो, वो मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। हेलो मॉम। मॉम, ये आपको क्या हुआ है? खूबसूरत लग रही हो ना? हमने तुम्हारी मॉम को फिर से क्रिएट किया है सनम। हेलो सनम, तुम्हें अपनी मॉम को फेस टू फेस देखना चाहिए, वो काफी काफी खूबसूरत दिख रही है, बहुत अच्छी। मिस्टर अजीज, आप भी वहाँ हैं? कितना अच्छा है, आप सब साथ में हो। बेटा जान नहीं वहाँ पर, मुझे नहीं पता, वो शायद जॉगिंग करने गए हैं। आई डोंट नो, मेरा मतलब है वो वही कहीं होंगे, सब बोल रहे थे, मुझे नहीं पता। वैसे मॉम, आज आपने दिन भर कॉल नहीं किया, मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। आप हर एक घंटे बाद कॉल करती है मॉम, इसलिए मुझे आदत लग गई है अब आपके कॉल की। अब हमारी मॉम काफी बदल गई है, अब उनके स्टाइल को यूज्ड हो जाओ। अब मैं खुद को वक्त देने वाली हूँ बेटा, कई साल से मैं सबके लिए काम करती आई हूँ, पर अब मैं अपनी जिंदगी जीने वाली हूँ। वैसे तुम्हारा दिन कैसा रहा? हाँ, अच्छा था, आज बहुत सारे काम थे। बेटा अपना ख्याल रखना। क्या ये? तुम तो जानती हो अब क्या करना चाहिए। हम डिनर कर रहे हैं, ओके बेटा, बाय बाय। हाँ ठीक है, सी सी यू। क्या आप? क्या मैं? क्या जान समझ गए हैं तुम्हें क्या कहना है? क्या सच में? ऑफ कोर्स, वो स्ट्रेंज क्वेश्चंस और जब तुम सो गई थी तब तुम्हें कवर करना, ये सारी बातें। फिलहाल तो कोई प्रूफ नहीं है, पर पता नहीं उन्होंने घर पर छुपाया होगा। क्या सच में? हाँ सच में। अब मैं समझ गई, अब मेरे दिमाग में सब कुछ सॉल्व कर चुकी हूँ। आई लव माई ब्रेन, मैं इतनी इंटेलिजेंट कैसे हूँ?
मैं हमेशा उन्हें क्यों देखती हूँ? अब हम इक्वल है जान डेविड, कम ऑन नाउ। नीचे गिर गई। हेलो हेलो, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट होता तो आप जरूर बताते। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट, पर मैं अभी एक्साइटिंग पार्ट पे हूँ। गुड नाइट सनम। गुड नाइट। क्या आप यहाँ कुछ ढूंढ रही हो? क्या कहा? वेलकम। क्या तुमने अजीज को कहीं देखा है? बताओ। हाँ, मिस्टर अजीज अभी मेरे पेरेंट्स के साथ है, वहाँ खाना खा रहे हैं। वो आज रात वहीं रुकेंगे। ओके, उनका कॉल आ जाएगा, वो कॉल कर लेंगे। हाँ, वो कॉल कर लेंगे, वो आपको कैसे भूल सकते हैं। लेट्स सी। गुड नाइट, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। वाह, मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ सब कुछ, मेरे तो चेहरे से कुछ भी पता नहीं चलता। अपने सामान का ध्यान रखा करो। अब पंछी इनकार के दरिया में है, वो उड़ रहे हैं लेकिन इनकार के दरिया में। कितना आसान है इनकार करना उस प्यार को, अपनी गलतियों को नकारना,
लेकिन इनकार करने से तुम बहादुर नहीं बनते। तुम चाहो तो कितना भी इनकार कर लो, लेकिन सच्चाई कभी बदलती नहीं। हमारा व्यवहार इसे दर्शाता है। हम इनकार करते हैं, हम कहते हैं कि मैं भूल गया हूं, पर एक ऐसी खास छोटी सी चीज तुमने संभाल के रखी है जो तुम्हें उसकी याद दिलाती है और तुम्हें जीने का हौसला भी देती है। और इस चीज को संभालने में तुम अपनी पूरी जान लगा देते हो, जैसे कि प्यार की खूबसूरत यादें। और अगर तुम्हें उस इनकार के दरिया के पार जाना है तो तुम्हें इनकार करना छोड़ना होगा। वो हसीन पल जिन्हें तुम भुला नहीं सकते, उन्हें हमेशा अपने पास रखना होगा बिना इनकार किए। इचिंग हो रही है, मैं सिंथेटिक फैब्रिक से बने कपड़े नहीं पहन सकती। मुझे बहुत इचिंग हो रही है, मैंने तुम्हें बताया था, पता नहीं अब क्या होगा। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? आप हो क्लियोपात्रा और तुम हो एंटोनियस, वो एक फेमस कपल है। क्लियोपात्रा की खूबसूरती का दीवाना है एंटोनियस, तुम भूल गए हो क्या? वो भूलना मत, तुम्हारी केमिस्ट्री दिखनी चाहिए। जान, मुझे अब भी बहुत इचिंग हो रही है। तुम्हें आदत हो जाएगी डैरेन। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये जॉब पसंद आई है सच में। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि किसी जॉब में गुलाम रहना बेहतर है, चाहे तुम एक बॉस ही क्यों ना हो। ठीक है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? मिस्टर जान, मेरा इस चीज में ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं पहले भी एक चीज के कमर्शियल में एक्टिंग कर चुका हूँ, मुझे काफी एक्सपीरियंस है। आप चाहो तो मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझे बहुत नॉलेज है। जेजे को भी है, आप देखना मैं कैसे काम करता हूँ, आग लगा दूंगा एकदम, मजा आ जाएगा आपको। ओके मूसा, मैं इस बारे में सोचूंगा। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने सोचा कि आपको बोल दूं। जा रहा हूँ। ठीक है। मेकअप क्रोमा शूट है क्या? क्रोमा शूट होगा। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि गुलाम हमेशा धूप में रहते हैं इसलिए। और तुम कितना बोलते हो। ओके सो गाइस, अभी एक बार रिहर्स करते हैं। डैरेन, तुम पहले से ही वहाँ हो, तो अब ठीक से बैठ जाओ, अपना पोस्चर सही करो प्लीज। बोलो, तुम उसके पीछे जाओ। ठीक है। ओके ठीक है, डैरेन के पीछे उसकी आंखों में देखो। सनम, तुम वहाँ बैठ जाओ आराम से। तुम अब क्वीन के उन फूलों से क्राउन बना रही हो। ठीक है। डेनिस, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट बजाओ। चलो। पर मैं ठीक से प्ले नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, सिर्फ एक्टिंग करो। ओके सो गाइस, अब वेव करो ताकि हमारी रानी को हवा लगे। चलो थोड़ी एक्टिंग करते हैं। ठीक है मिस्टर जान, रेडी। और डैरेन, तुम रेडी रहो। बोल, तुम डैरेन के पास जाओ, थोड़ा पास में, लेकिन उसे किस करने से पहले वो रुकेगा। ठीक है। उसे सूंघता है और उसे प्यार से देखता है। ठीक है, तब उसकी आंखें वाइड ओपन होनी चाहिए, एक सरप्राइजिंग लुक देना है। ओके गाइस, अब आप लोग स्ट्रेस लग रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, काम डाउन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं? तुम तो परफेक्ट लग रही हो, वो तुम्हें काफी सूट कर रहा है। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं हूँ मेन कैरेक्टर और मैं हूँ क्लियोपेट्रा, तो शूटिंग के वक्त सबसे ज्यादा मुझ पर फोकस होना चाहिए, और यहाँ की सेट मैनेजर भी मैं रह चुकी हूँ। क्लियोपेट्रा खुद को बिगाड़ना चाहती है। जी जी, तुमने जो कहा मुझे सुनाई दिया। टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो उसे बचाओ, जल्दी करो, क्या कर रही हो तुम? ओके। मैं बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है ठीक है, एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, मैं तो थक गई हूँ। अब हम क्या करेंगे? क्या कर रहे हो तुम, इसे ठीक करो। ये भारी है। जी जी, इस डायरेक्शन में वेव करो, मुझे गर्मी लग रही है। मैं सोता हूँ और मुझे तब उठाना जब गुलामी बैन हो जाए, तुम मुझे बताना। ठीक है, मैं तभी उठूंगा। ये बहुत मुश्किल है, मैं खुद के अंदर क्लियोपेट्रा को जिंदा रखना चाहती हूँ। जी जी, मिस डैरेन अपने अंदर क्लियोपेट्रा को रखना चाहती है और वो बहुत मुश्किल है। उससे छुटकारा कैसे पाएगी? हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं ठीक से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। मूसो, तुम्हारे मुँह में क्या है? हाँ मेरे दोस्तों, प्लीज ग्रेप्स मत खाओ, हमारे पास ज्यादा बजट नहीं है, अभी के खत्म हो जाएंगी। मेरी वैन कहाँ पर है? जे जे, मिस डैरेन एक वैन के लिए पूछ रही है और यहाँ। उस जमाने में वैन नहीं होती थी जाहिल। क्या तुमने मेरे लिए एक वैन भी रेंट पर नहीं ली? अरे करो, क्या हमारे पास उतना बजट है वैन? उस जमाने में लोग पालकी इस्तेमाल करते थे। सब रिलैक्स करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा।
जी जी पानी। सनेम उन्हें पानी चाहिए। मुझे तुमसे पानी चाहिए और सनेम से स्मूदी चाहिए। स्मूदी स्मूदी तुम स्मूदी बना रही हो इसलिए मुझे स्मूदी चाहिए। और मत लेना मिस्टर, अगर आप सच में कैरेक्टर होती मेन तो हम आपके गुलाम बन जाते। मैं अभी मेन कैरेक्टर हूँ, क्लियोपेट्रा इस कमर्शियल की मेन कैरेक्टर है। यार मैं पागल हो जाऊंगा, इसके नखरे ही खत्म नहीं होते। जे जे मेरी वैन कहाँ है? आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सेट तो रेडी है पर वहाँ हंगामा हो रहा है। मुझे लगता है ब्यूटी कम आउट ऑफ चायोस, यू नो एग्जैक्टली। क्या आप श्योर है कि आप कुछ ढूंढ नहीं रहे? आपके मन में कोई सवाल है? नहीं। सनम तुमने तो मैं स्मूथी बना रही हूँ क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है उन्हें जल्द से जल्द चाहिए, तो मुझे जल्द से जल्द बनानी होगी। तो मिलते हैं पार्टनर। अगर तुम्हारा हो गया तो सेट पर चले। हाँ जल्दी हो जाएगा। मुझे पानी पीना। जर हाँ जरूर जरूर। क्या हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं? हाँ। मैं स्मूदी बना रही हूँ। मैं पूछ रहा था कि तुमने स्मूदी में स्ट्रॉबेरीज ऐड की है? सनम तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ क्या तुम मुझसे जेलस हो? आपको याद है? तुम्हें भी इतना आसान नहीं है भूल जाना उस चीजों को जिसकी तुम वैल्यू करते हो, जिससे प्यार करते हो। और जब तुम उसे खो देते हो तो तुम अपना दिमाग खो देते हो। क्या आप अभी भी स्ट्रॉबेरीज की बात कर रहे हैं? सेट पर मिलते हैं सनम। मैं वहां जाऊं? हाँ थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस बस। हे गाइस कम ऑन, चलो स्टार्ट करते हैं शूट। हमने ओपनिंग कर दी है। हाँ। एंटोनियस ये लीजिए, इसे पी लीजिए। अरे सनम
थैंक यू वेरी मच, तुम मेरी वजह से थक गई होगी, गॉड ब्लेस योर हैंड्स, मैं इसे बाद में पीती हूँ, मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ, ये काफी अच्छी टीम है। नहीं नहीं, मैं इसे आपके लिए बना चुकी हूँ। नहीं तुम यहाँ धूप में मेरा इंतजार कर रही थी, मैं इसे शूटिंग के बाद पी लूंगी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जैसा आप चाहो, मैं आपके बिल में लिख दूंगी। कितना हुआ उसका? ओके गाइस, सब रेडी है, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, एक्शन। से पकड़ो उसे। हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। जे जे कैमरा में मत देखो, और डेनिस तुम मुझो की तरफ मत देखो। मैं ठीक हूँ ना? सनम, क्या तुम्हारे पास फ्लास से बना क्राउन है? हाँ मेरे पास है, मैं इसे अपने एंकल में रख देती हूँ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? ये तुम क्या कह रही हो, ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आइडिया आई थिंक। लेकिन ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? माय आइडिया। बहुत ऑब्वियस है, जरूर तुम्हारा ही आइडिया होगा। पता है इस तरह के पल ही इंसान को करीब लाते हैं। वो कह रहा है कैमरे की तरफ मत देखो, पर हम इस तरह से काम नहीं कर सकते, वो सिर्फ सनेम को देखते हैं। मुझे वो पसंद है, पर हम इस तरह से काम नहीं कर सकते, ये सीरियस बात है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें पता है वो कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा है, बीच में मैं टॉयलेट चला गया था, उसने नोटिस ही नहीं किया भाई। वो तब तुम्हें शूट नहीं कर रहे थे मुझे। मैंने तुम्हें नोटिस किया था जब तुम गए थे। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था, पर उसने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वाह क्या बात है, वरना चिल्लाएगा। फिर अगली बार तुम डायरेक्टर बन जाना, तुम अगली बार शूटिंग करना। मैंने जानबूझकर बीच में सबको डिस्टर्ब करने की कोशिश की ताकि मुझे समझ आए कि मैंने दिमाग लिया या नहीं, पर नहीं, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ, समझो मेरी बात। वैसी जबरदस्त एड बनाता कि मजा आ जाता सबको। ये तो करीम को दिखाई नहीं रहा है। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? ओके, तुम लोग सिर्फ बात कर रहे हो, ठीक है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, इधर उधर कैसे चले गए, फोकस करो यार। 3, 2, 1, एक्शन। देखना मैं कैसी नेचुरल एक्टिंग करूंगा। नहीं, उससे मुझे हंसी आती है और मुझे लग रहा है कि अब मैं हंस दूंगी, मुझे माफ कर देना। मुझे बहुत हंसी आ रही है। फिर से शूट करते हैं। ओके डेनिस, तुम वो क्रीम डेरन को दो, और फिर सनम को, और फिर खुद के लिए रख लेना। सनम रहने दो, क्रीम मत लगाओ, तुम जाओ प्लीज। मैं? नहीं नहीं, तुम रुको। क्यों, मैं क्यों जाऊँ, क्या मैं इतनी बुरी एक्टिंग कर रही हूँ? नहीं नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है एक्चुअली। तुम सिर्फ क्रीम लाओ, ठीक है, इसका तुमसे कोई नाता नहीं है, तुम जाओ प्लीज, कैमरा से हटो, हम हमारा काम खत्म करते हैं। सनम, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। हाँ, बुरा मत मानो। ओके ठीक है, रुकते हैं। क्या हो आप? क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? क्या मैंने गलती कर दी या मैं स्मेल नहीं कर पा रही हूँ? एक और बार। वंस मोर। ये क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, कुछ भी सही से नहीं हो रहा है। मुझे कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, मुझे जवाब चाहिए, मुझे कुछ मुझे नहीं पता। तो समझ नहीं आ रहा, तुम भी एक्टिंग कर रहे हो? नहीं, शायद इसलिए उन्होंने कट किया। Once more. हाँ, पहले मेरा कॉन्सेंट्रेशन था, पर अब हो सकता है मेरा फोन जा रहा है और लाइट भी चेंज हो जाएगी। अगर ये आज नहीं हुआ तो हम देखो ये नहीं कर पाएंगे। सनम, दो स्टेप आगे आ सकती हो? नहीं नहीं, एक और स्टेप आगे। मुझे बैठने तो दीजिए, मैंने उन्हें क्रीम नहीं दी है अभी तक। क्या हो रहा है, गलती कहाँ हो रही है? क्या करें बताओ ना। 3, 2, 1। ओके गाइस, आई थिंक मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, आज यही बैकअप करते हैं।
चीजों को भूलना आसान नहीं जिसकी तुम वैल्यू करते हो, और जब वो तुमसे दूर चली जाती है तब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। यू नो, मेरे पास कुछ है जो तुम्हारा है। एक चीज है और ये हमारे पार्टनरशिप में इंक्लूडेड नहीं है। मेरे पास भी एक आपकी चीज है जिसे मैं हमेशा गले में कैरी करती थी। बस एक ही चीज है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, वो भी कम वक्त के लिए। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, और आप भी इस बात को जान लीजिए कि मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करती। बस स्पॉन्टेनियस कम टाइम के लिए मुझे जो लगा मैंने किया, और मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन मानिए। मैं वादा करता हूँ मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तो आप चलें? हम अभी भी बिजनेस पार्टनर हैं। ठीक है। और हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, हम एक दूसरे की वैल्यू करते हैं और यही इम्पोर्टेंट है। सनम, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करूंगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपको सोना चाहिए अभी। गुड नाइट। गुड नाइट।
कर रहे हैं? मैं पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ। इसके कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, राइट? जैसे कि म्यूचुअल ड्रीम्स, म्यूचुअल हाउस, म्यूचुअल लाइफ। मतलब म्यूचुअल हाउस वो कहाँ है, कैसे, कौन से मोहल्ले में, आपका क्या कहना है? म्यूचुअल हाउस ये किस तरह की जगह है? म्यूचुअल हाउस डेनिस, तो क्या वो तुम थी? हाँ मैं ही हूँ, और कौन हो सकता है? डियर सने, मुझे ये बताओ कि ये म्यूचुअल हाउस का क्या मतलब है? हाँ मैं उन पलों को याद करी थी जिन्हें मैं कभी भुला नहीं पाई। वो पल और कई सारे सवाल तुम्हारे आंखों के सामने आ जाते हैं जब तुम उन्हें डिटेल में सोचते हो। जवाब ढूंढ रही हूँ, बस तुम नहीं समझ पाओगी। शायद तुम्हें डांसिंग थेरेपी की जरूरत है, क्योंकि डांसिंग थेरेपी तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। ठीक है सनम, अभी अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। हाँ मैं नहीं समझ पाऊंगी, इतनी समझदार थोड़ी हूँ। मास का दरिया सबसे ज्यादा रहस्य भरा हुआ है, कोई भी वहां रुकना नहीं चाहता, हर कोई वहां से गुजरता है, वो भी जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं। मास पाने के लिए हर कोई कोशिश करता है, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है। मैंने खुद को सरेंडर कर दिया था उन सभी यादों को, जहां स्पर्श, खुशबू, इच्छा और तमन्ना थी। उनका कहना था कि मास तो आत्मा का शत्रु है, वो आत्मा को अपने वश में कर लेता है, उसे मुझे वश में कर लेने दो। और तब सारे जहां को रुकना होगा, जब हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हो, हम एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, जहां हमारा शरीर एक दूसरे में समा रहा हो। और दिल दिमाग की आवाज सुनता है, तो कैसे दिमाग दिल की धड़कन को कमजोर कर देता है। मेरा दिल तो उसे पागलों की तरह प्यार करना चाहता है। बताइए मुझे कौन रोक सकता है मेरे सिवा।